हेलो एवरीवन, आई एम शैना फ्रॉम इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में HPV वायरस के बारे में जाना। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर, और HPV वायरस का सबसे रिलायबल प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन। सो जो प्रेफर्ड वैक्सीनेशन है फॉर HPV वायरस इज गार्डासिल, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए 80% इफेक्टिव होती है कि ये आपके HPV वायरस के होने के चांसेस को ही कम करते, और 100% इफेक्टिव होती है कि ये आपके जेनिटल वॉर्ट्स को ही ख़त्म करते, उससे आपको प्रिवेंट करे। इस वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि माइल्ड होते हैं और इंजेक्शन साइट पर ही अक्कर होंगे, जैसे कि रेडनेस, इचिंग, या फिर आपको आफ्टर वैक्सीनेशन हेडेक, वॉमिटिंग या नोज़िया भी हो सकता है। इस वैक्सीन के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है, मतलब कि आपको कब ये वैक्सीन नहीं लेनी है। अगर आप प्रेगनेंसी पीरियड में हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अवॉइड करना है इस वैक्सीनेशन को लेने से। अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तब आपको इस वैक्सीनेशन को नहीं लेना है। अगर आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तब आपको इस वैक्सीन को नहीं लेना है। थैंक यू। अगर आप 9 से लेकर 14 की एज ग्रुप में हैं, तब आपको इस वैक्सीन की 2 डोजेज़ लगेगी, जो कि 6 मंथ्स के इंटरवल पर होगी। अगर आप एट द एज ऑफ 15 हैं या फिर 15 एज से अबव है, तब आपको इस वैक्सीन की 3 डोजेज़ लगेगी। जो सेकेंड डोज होगी वो 1 मंथ के इंटरवल पर लगेगी, और जो थर्ड डोज होगी वो 6 मंथ के इंटरवल पर लगेगी। वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स ये होंगे कि आपको सर्वाइकल कैंसर से प्रिकॉशन हो जाएगा और जेनिटल वॉर्ट्स से आप प्रिवेंट हो जाएंगे। ये जो वैक्सीन है ये 75% इफेक्टिव होती है।